जिला मुख्यालय नाहन में आस्था वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आस्था स्कूल के दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की गई, जिसके तहत बच्चों को यहां प्रतिदिन विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। ऐतिहासिक चौगान मैदान में इन बच्चों को प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण किरण तोमर ने बताया कि इन बच्चों को चौगान मैदान में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें दौड़, बास्केटबॉल सहित कई खेल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का मकसद यही है कि दिव्यांग बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग ना समझे और सभी प्रकार के खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। दिव्यांग बच्चों ने बताया कि उन्हें यहाँ आकर बेहद अच्छा लगता है और कई प्रकार के खेलों का उन्हें यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स एकेडमी में आकर वह बेहद खुश। और हमने आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में स्पोर्ट्स सेंटर खोला है। जब से ही हमारा स्पोर्ट्स सेंटर खुल रहा है तो हमारे बच्चे डेली आके यहाँ चौगान में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जंपिंग हो गया। ये बच्चे जब से स्पोर्ट्स सेंटर खुला है बड़े प्रोत्साहित हो रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, चौगान में खेलना भी अच्छा लगता है और हम रोज आते हैं दुकान में खेलने कूदने और रेस लगाने और बास्केटबॉल खेलने। और हम बहुत दूर जा चुके हैं, हमीरपुर भी गए हम खेलने के लिए, हमीरपुर गए, बिलासपुर भी गए और बैंगलोर गए हम कंप्यूटर सीखने, वहाँ भी गए, सारी जगह गए, पांवटा साहिब गए और हर जगह गए घूमने। हमको बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता भट्टी है, मैं आस्था स्पेशल स्कूल से हूँ और हम यहाँ ग्राउंड में रोज आते हैं, रोज वार्म अप करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर खेलते बास्केटबॉल, फिर ग्रुप में मैच खेलते हैं, रेस लगाते हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।